उसमें क्या करना होगा? सर एक आज का मार्केट का लीडर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो तो खैर है ही है, एक बार जरा इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि इसमें फंडामेंटल न्यूज फ्लो भी आ रहा है, ईशा का नाम भी आ रहा है, आकाश का नाम ऑलरेडी कल आ चुका है, जो कि नए सक्सेशन प्लान के अकॉर्डिंग दोनों कंपनियां संभाल सकते हैं आगे, जियो और रिलायंस रिटेल। और दूसरा, आप यहाँ से कितनी और तेज़ी देखते हैं रिलायंस में? एक दूसरा एक इंडिया सीमेंट के अंदर भी, सीमेंट के अंदर भी अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है ठीक एक्सपायरी से पहले। जी हाँ डिब्यू जी, इनफैक्ट आज का जो स्टॉक वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है। देखिए मार्केट को लीड कर रहा है तकरीबन लाइक कल ड्यूरिंग द डे 16% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था, आज के सेशन में अब तक के डेटा में तकरीबन 10% लॉन्ग एडिशन दिखा रहा है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से घूमा है। पिछले गुरुवार को इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज टेस्ट किया था, क्लोजिंग दी, उसके बाद में लगातार पिछले 4 सेशन से उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर कल की बात करें, लाइक ये वाली एक्सपायरी की बात करें, तो 2600 पे थोड़े कॉल राइटर है, 2600 तक का मूव तो खुला ओपन दिखाई देता है, लेकिन अगर आप 4 से 5 सेशन इसको रखते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 2650-2700 तक के भी लेवल्स आपको ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। और ओवरऑल रिलायंस का जो एक तरह से ओवरसोल्ड टेरिटरी है, वहां से एक अच्छा बाउंस बैक मोमेंटम में अब तब्दील होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस में कोई डाउट नहीं है, रिलायंस का सेटअप काफी बढ़िया है, इनफैक्ट आज मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने, तो आप इसमें मोमेंटम का पूरा फायदा उठाए, इसे आप बाय कीजिए 2500 के स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप जरूर है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 1.5% चल चुका है, लेकिन टारगेट ऊपर में इनिशियल रहेगा 2650, 2600 का एक छोटा टारगेट और 2650 का लाइक नेक्स्ट 3-4 सेशन का टारगेट, तो रिलायंस बाय कीजिए। जहां तक इंडिया सीमेंट का सवाल है, इंडिया सीमेंट में भी आज एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है, वॉल्यूम बेस्ड रिवर्सल है। अगर ये कैंडल को हम देखें तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, और अगर आज ये स्टॉक 161 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मेरे हिसाब से अगले 2-3 सेशन के लिए यहाँ पर भी तेजी में आप रह सकते हैं। तो ये कंडीशनल कॉल है, इसमें मे भी हम 3 बजे तक वेट कर सकते हैं कि ये 161 के ऊपर सस्टेन करता है, अगर करता है तो इसका बायस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर में 173 के टारगेट। ओके ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आप कह रहे हैं कि बेहतर ट्रेड है, मैं जल्दी से इसका चार्ट भी दिखा दूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, आप लेवल्स एक बार जरा नोट कर लें। फिर इंडिया सीमेंट के बारे में सर का भी आज मानना है कि कैंडल्स की काफ़ी अच्छी बन रही है, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग थोड़ी आपको और आती हुई दिखे। आइए देखते हैं जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आज के कुछ और शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे। आप शेयर की खूबसूरती से समझ सकते हैं, एक तो मार्केट लीडर तो खैर है ही है, और अपने इसने 50 दिन 200 दिन के एवरेज का जो टिपिकली एवरेज है, डेली चार्ट है, कोई छोटा मोटा चार्ट नहीं है, ये कई दिनों का और अब मैं बोल सकता हूँ महीनों का भी चार्ट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसने कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई, भले मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव रहा है, इसने अपने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक नहीं किया, हर बार उसके रिस्पेक्ट किया और उसके ऊपर ही चलता हुआ दिखा। एक बढ़ते हुए क्रम का चार्ट है, पिछली बार का जो टिपिकली हाई था उसको इस बार अभी ब्रेक करने के अटेम्प्ट ले रहा है, जहाँ पर हमने सर्कल मार्क किया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला ऊपर वाला सर्कल, तो इसको टिपिकली ब्रेक करके इसके ऊपर आके अब ट्रेड करने के अटेम्प्ट ले रहा है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर या फिर फ्रेश लॉन्ग के बेसिस पर ये शेयर चल सकता है। बढ़ता हुआ क्रम, मार्केट का लीडरशिप, अच्छी फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज़ आना, साथ ही जीएमएस के बेनिफिट होना, अर्निंग्स में इस बार धमाकेदार नंबर्स आना, और जिस तरह का रिस्ट्रक्चरिंग सारा हुआ है अब तक तो सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो कहीं ना कहीं आके ये जिसे कहते हैं ना प्री सिग्नल्स आपको दिखाने लगता, लेकिन अभी तक जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो सिर्फ बुलिशनेस के आ रहे हैं, इसलिए उम्मीद तो करते हैं कि रिलायंस मार्केट के लीडर के साथ साथ बाज़ार को इस रेंज से भी बाहर निकालने का काम कर सकता है। फाइनली अगर 16,000 पहुंचना है तो रिलायंस का चलना बहुत ज़रूरी है, 2600-2650 आपका टारगेट है। इंडिया सीमेंट को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। सर शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर जरा जल्दी से देख लेंगे आप, एक है चंबल फर्टिलाइजर, दूसरा रेन इंडस्ट्री। सर जी हाँ बिल्कुल, देखिए जहां तक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, मेरे सबसे रेन इंडस्ट्रीज में सेटअप जो है वो ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देता है, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। लेवल वाइज 160 तक की जगह रेन इंडस्ट्रीज में दिखाई देती है, तकरीबन 10 रुपए की अपसाइड यहाँ पर चाहिए, और खास करके लास्ट 2 सेशन से जो कैंडल बनी है यहाँ पर उसमें हायर लो बना हुआ है, तो 144 के स्टॉप लॉस से रेन इंडस्ट्रीज को बाय कीजिए, 160 का टारगेट रहेगा, ये अगले 2 से 3 सेशन में मेरे हिसाब से आता हुआ दिख सकता है। ओके ठीक है सर, चंबल को छोड़ दे, चंबल और रेन में से रेन को पकड़े सर फिर। जी हाँ बिल्कुल, चंबल को मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, रेन के साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, रेन इंडस्ट्रीज के टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आ गए, 160 रुपये का टारगेट, 144 का स्टॉप लॉस है। एक्चुअली सारे शेयर हम थोड़ा स्पीड से इसलिए भी पूछ रहे हैं, हमें चाहते हैं कि आपके जो जून सीरीज़ और जुलाई वाली सीरीज़ है काफ़ी बेहतर हो, आपको कटान में भी हेल्प हो और आपको नए सौदे बनाने में भी हेल्प हो, इसलिए रेन इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखिए। एक्सपायरी स्पेशल न केवल आज है, ये कल भी हमारा रहेगा एक्सपायरी स्पेशल, और आप हमारे साथ जुड़ के रहिएगा।
हम न केवल आपको राहुल जी के आज के ट्रेड बताएंगे बल्कि चंदन राजेश जी से भी हमने बातचीत की है, कुणाल से बात की है, उनके सौदे भी अभी अभी हम आपके सामने रखेंगे। 160 पे आप रेन इंडस्ट्रीज शॉर्ट कवरिंग का शेयर पकड़ लीजिए। आगे है जो तेजी वाला शेयर था वो रिलायंस है, उसका टारगेट स्टॉप लॉस भी दिखाइए, वो भी राहुल जी ने ओके कर दिया कि बोले इसको आप रख सकते हैं। सर आज